Start of our class. Assalamu alaikum everybody, kaise hain aap sab? And welcome back to the session number second. Sab log mujhe pehle batayenge, main please batati hu ji kal wali class ka, offline class ka batati hu, pehle mujhe ye bataiye ki aap sab kaise hain. Mujhe bhi yaad hai ji, aap log ki offline class nahi hai, mujhe bahut acche se yaad hai. Take it easy. Filhal mere sawal ka jawab to dijiye ki kaise hain aap sab? Theek hain, fine, good, alhamdulillah, very good ji, bahut acche, mashallah. Yeah, alhamdulillah, I am good, Asma. Thank you for asking. Okay, Emo, sorry for that. Sorry for keep you waiting, guys. I'm really sorry for this. हाँ, मुझे पता है जी आप लोगों ने वेट किया होगा. मैं बिल्कुल इस चीज के साथ एग्री करती हूँ. अच्छा, मैं पहले इस चीज को सॉर्ट डाउन कर देती हूँ. मैं बता देती हूँ आपको कि कल एक्चुअल इश्यू क्या था, उसके बाद हम आगे चलते हैं. एक्चुअली कल की क्लास जो आपके स्किप हुई है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अ सम हैक्टिक रूटीन. कल मैं थोड़ा सा बिजी थी, दैट्स व्हाई आई वाज अनेबल टू मेक अ कांटेक्ट विद एवरीबॉडी. और मेरे किसी भी सेशन का लिंक जो था वो नो डाउट आप लोग तो न्यू थे आपकी, कम से कम मुझे किसी और एडमिन को मैं इन्फॉर्म कर देती सो दे गाइस कैन मेक अ कॉन्वर्सेशन. बट अनफॉर्चुनेटली कल के इस इश्यू की वजह से जो है वो मैं किसी भी, आपके साथ एक और बैच भी था जो कल ही स्टार्ट हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की भी कल की क्लास नहीं हो पाई. तो हम लोगों ने आज की क्लास, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेमो में भी बताया था और आपकी पेड क्लासेस में भी जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी, मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की थी कि आप लोगों की 6 डेज क्लास होंगी, सिर्फ आपको संडे ऑफ होगा. ठीक है, ऐसा ही था. मगर अनफॉर्चुनेटली कल की गलती की वजह से इस वीक का संडे आपको ऑफ नहीं है, यानी कि कल आप लोग की क्लास है. और कल इंशाल्लाह आपकी फर्स्ट ऑफलाइन क्लास होगी. जो काम हमने कल करना था वो आने वाले कल पे होगा, यानी कि कमिंग टुमारो. सो यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन इट. और कल हम लोग टुमारो जो है वो आपकी जी ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन क्लास होगी, जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होनी थी, जो कि कल नहीं हो पाई. उसका खामियाजा मैं भी संडे को अदा करने वाली हूँ और आप लोग मेरे साथ अदा करेंगे, क्योंकि गलती तो खैर मेरी थी. बट यस, यू हैव टू डू सम कॉपरेशन कर आप लोगों की इस टाइम पे. अच्छा, वैसे मैंने उनके साथ भी टाइमिंग फाइनलाइज ये की है कि जनाब 4 बजे, शाम को 4 बजे, क्योंकि कल एक तो संडे है, ऊपर से शब-ए-बारात भी है कल की रात, तो दैट्स बिजी फॉर एवरीबॉडी. तो सब लोग रात के टाइम में तो बिजी होंगे, और मैं भी नहीं चाहती कि रात के टाइम में मैं आप लोग को इस वक्त डिस्टर्ब करूं, इबादत का वक्त होगा. तो कल शाम 4 बजे आप लोगों की क्लास कंडक्ट की जाएगी. और जितने भी लोग हैं वो सबके सब प्लीज 4 बजे जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही आप लोगों ने ज्वाइन करना है. कोई लिंक प्रॉपरली तो नहीं है ऐसा कि जिसमें आपने वो करना है, क्योंकि कल की रात इबादत की रात है, तो मैं नहीं चाहती कि इबादत के वक्त पे मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करूँ या फिर आप खुद भी डिस्टर्ब हो. तो कल इबादत को इबादत ही रखेंगे इंशाल्लाह, और सिर्फ और सिर्फ हम शाम में इस क्लास को लेंगे. हंजला, व्हाट्सएप पे ही आना है. व्हाट्सएप के मोबाइल के घर रख के जाते हो ड्यूटी पे, तो सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही आपने वॉइस नोट पे कम्युनिकेशन करनी है. तो बस फिर जब मोबाइल आपके पास है, सो व्हाट एल्स यू वांट, मोबाइल तो होगा ना, सिर्फ आपने व्हाट्सएप पे ही बात करनी है हमसे. ठीक है जी, कल 4 बजे डन कर दें इसको. कल 4 बजे आप तमाम लोग ऑनलाइन रहेंगे, और 4 बजे आपकी चैट ओपन कर दी जाएगी टिल एट नेक्स्ट 45 मिनट. सिर्फ आपने एक वॉइस नोट सब लोगों ने ड्रॉप करना है. हंजला, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. अगर आपने ड्यूटी पे जाना भी है तो आप 2 मिनट के लिए मोबाइल तो यूज कर सकते हैं ना. आपने अपना मोबाइल सिर्फ यूज करना और एक वॉइस नोट जो है वो अपना ड्रॉप करना है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, यू हैव टू शेयर अ क्वाइट डिटेल्स अबाउट योर सेल्फ, दैट्स अबाउट योर इन्फॉर्मेशन, योर नेम, योर क्वालिफिकेशन, और योर सिटी नेम, एंड व्हाट एग्जैक्टली द थिंग यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, व्हाई यू आर टेकिंग दिस क्लासेस, दिस इज द रीजन. है ना, बहुत जोर से इंग्लिश आ रही थी कल और मैंने रोक दी. कल आ रही थी ना बहुत जोर से, कल मैंने, यार मोहम्मद, कल मैंने ग्रुप नहीं ओपन किया, जाहिर है इतनी जोर की अंग्रेजी आ रही थी. कोई नहीं, कल देख लेंगे किस किस की कितनी जोर जोर से आ रही है. टेक इट इजी, ऐसा होता है बाजू का इंसान की बड़ी जोर से, मेरी भी बड़ी जोर से अंग्रेजी आ रही होती है, मगर फिर बाद में उर्दू बोलनी पड़ती है. जैसे अभी देख लिया, मुझे मजबूरन उर्दू देखनी पड़ रही है. आज भी आ रही है, कोई बात नहीं जी. अच्छा, अभी सुन के अभी आपको भी आ रही है, ठीक है जी, सबको आनी चाहिए, मैं तो चाहती हूँ सबको आए. अच्छा जी, रिमेनिंग सेशन हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा अभी इंट्रो टू द लैंग्वेज रहता था जी. इजाजत हो तो शुरू करें, देखते हैं जी. कल अंदाजा हो जाएगा मुझे कौन कितने जोर से मैदान में उतरेगा. मुनीब मुस्तनसार देखेंगे जी, कल आप लोगों को पता लग जाएगा कौन कितने पानी में. टेक इट इजी. अच्छा जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे सिलेबल की, हम बात कर रहे थे स्ट्रेसेस की. जो लोग मेरे साथ कल के लेक्चर में, सॉरी परसों के लेक्चर में मेरे साथ कनेक्टेड थे, उनको अच्छे से याद होगा हम लोग क्या पढ़ रहे थे. और जो आज पहली बार आ रहे हैं,
उनके लिए जी वेलकम अगेन, और वो जरा कोशिश करें अब अंडरस्टैंड करने की, जो चीजें रह जाएं वो रिकॉर्डिंग पे रिलाई करेंगे जी, रिकॉर्डिंग पे सुनिएगा। तो जनाब चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो कि हमने उस दिन वहीं से जहां से स्किप किया था वहीं से शुरू करेंगे। हमने सिर्फ पढ़े थे सिलेबल के बारे में, आज हम उसी के साथ साथ हमने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देखी थी कि किस तरह से आप एक साउंड पे फोकस करें तो कितनी ज्यादा चीजें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड हम पढ़ चुके थे जी सिलेबल स्ट्रेस, हम पढ़ चुके थे। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स टू द वर्ड स्ट्रेस एंड आफ्टर दैट आई टॉक अबाउट द सेंटेंस स्ट्रेस। अच्छा, मैं एक और सजेशन आप लोगों से अभी लेना चाह रही थी। अगर मैं इस लेक्चर को अंग्रेजी में डिलीवर करूँ तो समझ लेंगे? इफ आई कैन मेक माई सेल्फ बाउंड टू स्पीक इन इंग्लिश, कैन यू गाइस अंडरस्टैंड दैट? अगर मैं इस पूरे लेक्चर को टोटल अंग्रेजी में, डबल लैंग्वेज के बजाय, यानी कि बायलिंगुअल बोलने के बजाय, मैं टोटल इसे अंग्रेजी में डिलीवर करूं तो इज इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड? ये दोनों लैंग्वेजेस को साथ साथ लग के चलूं? अगर आपको लगता है, मैक्सिमम लोग मुझे कहते हैं कि जी दोनों लैंग्वेज को साथ लेकर चले तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, आई गैन मेक माई सेल्फ बाउंड टू ऑन द बोथ लैंग्वेजेस, जैसे आप लोग कहें। अगर आप, क्योंकि बेसिक का लेक्चर है, बेसिक का लेक्चर है, बेसिक में मैं हमेशा दोनों लैंग्वेजेस को वैसे स्विच बैक करके चलती हूँ, लेकिन ऐसे मशवरा ले रही हूँ आप लोगों से। मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंग्लिश इंग्लिश सुनेंगे, सुन लेंगे, कानों में दर्द तो नहीं होगा, समझ आनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। चले आज ट्राई करते हैं, थोड़ी देर, 10 मिनट के लिए ट्राई करते हैं, 10 मिनट के लिए ट्राई करते हैं। नहीं, मेरा एक्सेंट बहुत क्लियर है अंजला, आपको बिल्कुल इजीली समझ आएगा। 10 मिनट के लिए ट्राई करते हैं, फ्रॉम राइट नाउ टू द नेक्स्ट 10 मिनट्स आई कैन मेक माई सेल्फ टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम सेइंग, एंड आफ्टर दैट इफ यू आर थिंकिंग नो आई कुडंट गेट इट, आई गोना स्विच माई लैंग्वेज, टेक इट इजी। So today we are going to talk about word stress, that what exactly the word stress is and how can we learn about this thing, that if you are using any kind of sentence right now in your like English, for example I'm speaking something and you just try to understand me what I'm saying. Hanzila Baroredka, can you please write down the sentence what I'm using right now? Hanzila Baroredka, write down this sentence, please. Hanzila Baroredka, write down the sentence what I am speaking right now. Write down this sentence in your comments. Hanzila Baroredka, very good. Write down, everybody should write it, please. Hanzila Baroredka, everybody should write down the sentence I am speaking right now in English. You don't need it to translate that. You don't need it to give me in any kind of meanings or the remarks about it. You just write down what I am speaking. Try to understand me and speak the words what I'm saying. Hanzila Baroredka. Hanzila Baroredka. Very good. Very good. Everybody is doing super. Very nice. So the thing is what? What exactly I am saying? Just look at my screen right now, what I'm speaking, and try to get that what exactly the way I just gonna skip it up. Can you see that? This is what? It's a Hanzila Baroredka. Now please stop writing. Stop writing and look at the screen and in your comment section what I'm doing. I have wrote it, this one, but I'm speaking like that. I'm speaking Bata, Bata, Bata. I'm speaking Hanzila Baroredka. I'm speaking like that. I'm not saying Bata. I'm not speaking like that. Focus on my pronunciation, how I am pronouncing the sound. I am using these two sounds together, Bot and A. I make a one sound. I speak like what? It's a Bata. Hanzila Baroredka. Hanzila Baroredka. Now look at that. The second sound I am using right now here is what? Ka. I'm not saying car. I'm not speaking car. I'm saying what? Ka. Hanzila Baroredka. Hanzila Baroredka. I'm not saying it to anybody that I am speaking car. I'm not speaking like that. I'll say what? It's a Hanzila Baroredka.
हंजला एंड आई थिंक एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दैट. ये जुमला सबको समझ आया था ना बोलते हुए. लेकिन अभी खाली में बोलूं जब का तो कितना अजीब लगता है ना. व्हाट इज दिस का, कार होता है भाई. लेकिन जिस वक्त मैंने बोला था तो सबको समझ आया था ना मैं क्या बोल रही हूँ. सबको समझ आया था मेरा लफ्ज, जबकि सुनने में यही लग रहा था वो. सबको सुनने में यही लग रहा था ना जो मैंने बोला था और जो लिखा हुआ इस वक्त मेरी स्क्रीन पे, सेम लग रहे थे. बट याद रखिएगा साउंड में बहुत डिफरेंस होता है स्पेलिंग की जगह. स्पेलिंग इज अनदर थिंग, साउंड्स आर अनदर थिंग. सो यू हैव टू फोकस ऑन बोथ द थिंग्स. स्पेलिंग कुछ होगी, बोला कुछ जा रहा होगा, स्पेलिंग कुछ होगी, साउंड्स कुछ और आ रही होंगी. तो आपने इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है जी कि आपने साउंड्स के ऊपर फोकस जरूर करना है. सो लुक एट दैट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. द फर्स्ट सेंटेंस आई हैव रोट इट देयर इज व्हाट, इट्स अ हंजला. फॉर एग्जाम्पल मैं ये असलम की जगह हंजला का नाम ही यूज करती हूँ. मैं कहती हूँ जी हंजला बारोड का. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्पीकिंग लाइक दैट, लिसन टू माई वॉइस केयरफुली. इफ आई गोना स्पीक लाइक दिस, हंजला बारोड का, व्हाट एग्जैक्टली माई एक्सप्रेशन गोना शो? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट थ्रू माई एक्सप्रेशन, थ्रू माई स्पीकिंग स्टाइल? व्हाट आर यू गेटिंग? हंजला बारोड का, लाइक लुक एट दैट, हाउ आई एम पुटिंग अ स्ट्रेस ऑन हंजला. कैन यू गेस मैं कहना क्या चाह रही हूँ? हंजला परड का, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन राइट नाउ. मैं एक सवाल कर रही हूँ कि दिस इज द कार दैट इज बॉट बाय हंजला. हो सकता है वो किरण ने खरीदी हो. एग्जैक्टली आई एम गेटिंग सरप्राइज, आई एम गेटिंग शॉक्ड, आई एम गेटिंग अमेज्ड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू आस्क अ क्वेश्चन. मैं एक सवाल कर रही हूँ, हो सकता है वो सामने खरीदी हो सकता है वो किरण ने खरीदी हो सकता है वो आदिल ने खरीदी हो. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन राइट नाउ. द फर्स्ट थिंग इज व्हाट आई ट्राई टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ जी. दूसरी बात क्या, आई एम गेटिंग शॉक, मैं अपनी शॉकिंग ने शो कर रही हूँ. थर्ड थिंग इज व्हाट, आई एम गेटिंग सरप्राइज, मैं बता रही हूँ कि भाई मैं तो सरप्राइज हो गई हूँ ये साउंड सुनते ही कि हंजला और वो भी गाड़ी. हाउ इज इट पॉसिबल? माई वे ऑफ स्पीकिंग एंड एक्सप्लेन. अब आपने देखा मैंने प्रेशर किस पे डाला, मैंने मेरा प्रेशर किस वर्ड पे जा रहा था जी, कोई मुझे बता सकता? हंजला बोरोड का, हंजला पे. एग्जैक्टली मैंने बाकी लफ्जों को कितनी जल्दी से बोला है ना, मैंने बाकी लफ्जों को कितनी बोरोड का. अब जरा दोबारा दूसरा जुमला सुने. अगर मैं इसमें तीन सिचुएशन आ गई आपके पास, सरप्राइज हो रहे हैं, शॉक्ड हो रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अब जरा दूसरा जुमला सुनेगा. मैं इसको ऐसे बोलती हूँ, हंजला बोरोड का, लाइक हंजला बाटा खरीद भी ली उसने. इन शॉर्ट my way of speaking like that, hazla bata red ka, like my way of speaking gonna express that ki kya abhi to wo baat kar raha tha na, kya matlab usne khareed bhi li aise kaise. So we are focusing on bara right now, we are not focusing on hanzala, we are not focusing on car, we are not focusing on radwan, we are focusing on what? We are focusing on the buying capacity of the person. Ho sakta hai, जरा सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिएगा. हो सकता है वो बंदा अभी बात ही कर रहा था, सुबह बात की, शाम को खरीद भी ली. यार ये पागल है, अभी तो सुबह कहा था इसने इसके पास इतने पैसे हैं, अभी से खरीद ली. सिचुएशन नंबर वन. सिचुएशन नंबर टू इज व्हाट, हो सकता है उस शख्स के पास बहुत सारी कार्स ऑलरेडी मौजूद हो और आप हैरान इस बात पे हो रहे हैं, यार एक और गाड़ी खरीद ली, पागल वागल है क्या, गाड़ियां खरीदते रहते हैं इसको और कोई काम नहीं है. थर्ड सिचुएशन वुड बी व्हाट, हो सकता है वो शख्स इतना गरीब हो वो अफोर्ड ही ना कर सकता हो और आप हैरान हो रहे, हंजला बॉटा बॉटा, लाइक सीरियसली उसने वो भी खरीद ली? नहीं, मैं नहीं मानती. लाइक वंस अगेन व्हेन यू पुट अ स्ट्रेस ऑन द सिंगल वर्ड, यू गॉट थ्री सिचुएशंस, यू गॉट थ्री वर्ड्स, यू गॉट थ्री वेज. आपके सामने तीन डिफरेंट सिचुएशंस आ रही हैं. तीन डिफरेंट सिचुएशंस में आप सिर्फ एक लफ्ज को, एक लफ्ज के ऊपर स्ट्रेस डाल के उसको बोल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं. अगला लव सुनिए जरा, अगला लव हमारे पास क्या है जी, रेड. जरा देखिएगा जब मैं इस पर स्ट्रेस डालती हूँ, जरा मतलब बदलते हुए देखिएगा इसके. मैं कहती हूँ जी हंजला बार रेड का, लाइक नॉट अ ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट और एनीबॉडी एल्स और एनी मोर कलर. दैट आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट. नो, आई एम जस्ट डूइंग अ कंपैरिजन राइट नाउ, नॉट एट ऑल. आई एम फोकसिंग ऑन व्हाट रेड वाली ली है भाई उसने, कोई और नहीं ली, द ओनली रेड वन, नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स. अच्छा पहली बात तो ये, हो सकता है भाई हम हैरान हो रहे हैं, हम दूसरे कलर्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं ना. नॉट अ ग्रीन, नॉट अ व्हाइट, नॉट अ ब्लैक, इट्स अ रेड वन, दैट्स अ रेड. एक तो सिचुएशन हो गई गाड़ी के कलर की. दूसरी बात ये है कि हम इस चीज को मजीद इंडिकेट करना चाह रहे हैं, हो सकता है बाजूकात हंजला को रेड कलर ही पसंद ना हो.
एंड हंजला वॉज लाइक के भाई मुझे इसको तो रेडी पसंद नहीं था, इसने लाल रंग की गाड़ी खरीदी, मैं नहीं मानता। हो सकता है एक सिचुएशन ये भी हो, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि उस शख्स के पास दुनिया की हर चीज रेड कलर की है और आप हैरान हो रहे यार अल्लाह के बंदे गाड़ी तो कोई और ले लेता, रेड रंग की गाड़ी कौन खरीदता। इट कैन बी द सिचुएशन, इस सिचुएशन में भी आप इस जुमले को बोल सकते हैं। आप जरा अगला जुमला, अगला वर्ड पे जरा मैं फोकस करती हूँ, जरा सुनिएगा इसके क्या क्या मतलब आपके जहन में आते हैं। हंजला बारो रेड का, नॉट अबाउट रिक्शा, नॉट अबाउट टांगा, नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, वी आर फोकसिंग ऑन कार। अमीर बंदा भाई, उसने गाड़ी खरीदी है, नथिंग एल्स, वी हैव टू फोकस ऑन इट, कि उसने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी गाड़ी गाड़ी, सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग्स। के पहली बात तो ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई रिक्शा टांगा या फिर कुछ और चीज नहीं खरीदी, उसने गाड़ी खरीदी है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या, एक बार फिर से यहाँ क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ चार एक्सप्रेशन आ रहे हैं। वैसे पहली बात तो कंपैरिजन आ रहा है, दूसरी बात ये जी अच्छा हंजला खुश हो गया, हंजला तीन तीन गाड़ियां भेज दिया जी कमेंट में, आप चेक करिएगा जरा इनका कमेंट चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह के आगे तीन गाड़ियां भेजी हैं इन्होंने, तो असल में पूरी इसलिए इन्होंने तीन भेजी है, एक में तो पूरे आएंगे नहीं जाहिर सी बात है। तो जनाब आप अगर फोकस करें तो पहले सिचुएशन में आप देखें कि एक तो कंपैरिजन आ रहा है डिफरेंट चीजों के साथ कि कार नहीं, टांगा नहीं, भाई बाइक नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम कार की बात कर रहे हैं। दूसरी बात क्या आ रही है जी, एक क्वेश्चन आ रहा है कि हंजला वो भी गाड़ी, लाइक सीरियसली, मतलब आपका मेरा मजाक चल रहा है, हाउ कैन दैट पर्सन कर बाय। नहीं यार बाइक शाइक खरीदी हो गया, अभी शौकिया मार रहा है गाड़ी खरीद दिया, वी कैन बी लाइक दैट ना, एक क्वेश्चन भी रेज हो रहा है। अब क्वेश्चन हंजला पे नहीं आ रहा, क्वेश्चन किस पे आ रहा है, गाड़ी खरीदने में, गाड़ी पे, गाड़ी पे। इट्स नॉट अबाउट हंजला पे, क्वेश्चन तब आएगा जब वी फोकसिंग ऑन हंजला। अब तो सवाल गाड़ी की बात हो रही है भाई, अब तो गाड़ी हाथ है हमारे। सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, फॉर फॉर एग्जाम्पल, ये एक सरप्राइजिंग न्यूज भी है, एक शॉकिंग न्यूज भी है, और इस तरह से भी। याद रखिएगा मैं आपको बार बार कह रही हूँ, डोंट ट्राई टू बी द बैगर ऑफ द लाइंस। बैगर ऑफ द लाइंस मीन्स व्हाट, वो जिसे कहते हैं उर्दू में हम लकीर के फकीर होना। आपने हमेशा फोकस ये करना है, आपने हमेशा ट्राई करनी है कि आपके पास जितनी लिमिटेड वोकैबुलरी, आपको पैटर्न्स पता हो, आपको बोल, आपने जी चार लफ्जों का एक जुमला था, एक लफ्ज के ऊपर स्ट्रेस डाल के मैंने तीन डिफरेंट जुमलों के, तीन डिफरेंट सिचुएशन में वही जुमला बोला, तीन डिफरेंट सिचुएशन में। इसका मतलब अगर आप इस पूरे चार लफ्जों के जुमले को देखें तो मैंने इसको 12 डिफरेंट सिचुएशन में बोल के अभी आपको दिखाया, और प्रैक्टिकली ये सिर्फ एक जुमले की बात हो रही है, एक जुमला 12 सिचुएशंस, हर लफ्ज के ऊपर तीन तीन सिचुएशन, बल्कि 13 हो गई थी, कार पे हमने चार सिचुएशन देखी थी, मतलब उसके इससे ज्यादा भी, इससे ज्यादा भी चीजों के जो है ना वो पॉसिबल पॉइंट्स निकल आते हैं। तो वही मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने कभी भी इस चीज के बारे में सोचना, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे भैया बहुत सारी चीजें आपको आती हैं, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन सीखना है, आपको बोलने का अंदाज सीखना है, आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो वी हैव टू लर्न अबाउट इट। आपने देखा कि जिस तरह से हमने कल देखा था कि ये वाला याद होगा आपको, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सो जिस वक्त हम लोगों ने दोनों एक एक साउंड के ऊपर फोकस किया तो किस तरह से मतलब चेंज हुए, आज हमने जब एक एक लफ्ज के ऊपर फोकस किया किस तरह से मतलब चेंज हुए, अब आ जाते हैं जी जरा जुमलों पे, अगर हम जुमले को भी डिफरेंट तरह से बोले तो कैसे मतलब चेंज होंगे। जरा फोकस कीजिएगा इस सेंटेंस पर जिस वक्त मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ जी दरवाजा बजता है मेरा, ऐसे साउंड पे फोकस कीजिएगा, आई विल से व्हाट वाज देयर, सही होगा ना, कोई दरवाजे पे होगा, मैं यही पूछूंगी ना, हे हु इज देयर। लेकिन अगर जरा इमेजिन करें, वैसे तो रात के 10 बजे डरना चाहिएगा जी, लेकिन फिर भी जरा इमेजिन करें सिचुएशन को अपनी आंखों के सामने, मेरी आवाज सुनते रहे और साथ साथ इस सिचुएशन को इमेजिन करें। जस्ट इमेजिन इफ यू गाइस आर स्लीपिंग इन द रूम एंड समबडी कम्स इन योर रूम शार्पली एट 3 o'clock इन द नाइट एंड यू आर जस्ट बैडली स्लेप्ट एंड योर फेस इज कवर्ड विद ब्लैंकेट And that person goes so closer to your face. And when you uncovered your face, you will look at the person. That person is so closer to your mouth. And you were like, who's there? You're going to speak like that, right? अब कोई इतने रात के 3 बजे आपके चेहरे के इतना करीब, आप उससे इतने नहीं पूछेंगे जी आप कौन, आप कौन, सो ऐसे तो नहीं हो सकता। यू वर लाइक हे हुज देयर, we were speak like that in a very 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 frightened way, we got scared right now, we don't have nothing, it's all about oh my god। अच्छा आप उसको नहीं बोला ओहो कौन है तुम, तुमने मुझे डरा दिया, हटो पीछे, इतना इतनी कहानी कहाँ होती है भाई, इतनी देर तो कौन रुकता। तो हम लोग तो बस एकदम ऐसे होता है ना, हे हुज देयर, हुज देयर,
ये आपका एक्सप्रेशन नहीं शो कर रहा आप स्केर्ड है। अब आप उसे तरतीब से कहानी तो नहीं सुनाएंगे, पता है मैं डर गया था, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। साफ पता लग रहा है आपकी हार्ट बीट तेज हो गई, आपका एक्सप्रेशन बता रहा है, आपका वे ऑफ स्पीकिंग बता रहा है, आपका बोलने का अंदाज बता रहा है, आपका ये जो स्ट्रेस देना था, आपका प्रेशर देना था जुमले पे, इस चीजें खुद एक्सप्लेन कर रही है कि हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज के ऊपर फोकस करना है जी। आपके सामने है कि दो सेशन जुमले के ऊपर हमने फोकस किया कि एक तरफ तो वही जुमला था हमने बोला जी हुज देयर, और दूसरी तरफ हमने बोला हुज देयर। अब जरा एक और सेंटेंस मैं आपके सामने बोलती हूँ, मैं आपको कहती हूँ जी मैं आपको कहती हूँ ओपन द डोर, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है जस्ट ओपन द डोर, डेफिनेटली स्टेटमेंट है सिर्फ ओपन द डोर, ओपन द डोर। और अगर मैं यही बात कहूँ ओपन द डोर प्लीज, एक्सक्यूज मी काइंडली ओपन द डोर प्लीज, व्हाट्स माय एक्सप्रेशन सर, रिक्वेस्टिंग, या इफ आई से ओपन द डोर व्हाट शुड आई से, ओपन द डोर, हे ओपन द डोर, लाइक इफ आई कैन स्पीक लाइक दैट, तो क्या कह रही हूँ मैं, मुझे बताएगा, ऑर्डर कह रही हूँ ना, ऑर्डर कह रही हूँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जुमला तो वही बोला है ना, क्या जुमला बदला है, क्या मेरा सेंटेंस में थोड़ी सी भी चेंजिंग है, सिर्फ मेरा बोलने का अंदाज बदल गया। जब मैंने साउंड बोला मैंने अंदाज बदला मतलब बदल गया, जब मैंने लफ्ज बोला मैंने अंदाज बदला मेरा मतलब बदल गया, मैंने जुमला बोला मैंने अंदाज बदला मेरा मतलब बदल गया। तो किसने कहा जी इतनी चीजों के पीछे भागने के लिए आपको, किसने कहा, अच्छा अंदाज ही ना सीख लें हम, क्यों ना हम वो अंदाज ही सीख लें कि जिस अंदाज के बदलने से मतलब बदल जाते हैं, तो फिर क्यों ना हम इस चीजों के ऊपर प्रॉपरली डिपेंड कर लें कि हम वो एक एक अंदाज ही सीख लें, कि वो अंदाज सीख लें कि वो एक्चुअल में पाथ क्या है, वो वे क्या है, वो वे क्या है, ये आपको चीजें किताबों से नहीं मिलेंगी, ये चीजें आपको कि लिखा हुआ तो सब पढ़ लेंगे ना, ये जैसे लिखा हुआ इस वक्त आपके सामने ये कल से आपको नजर आ रहा है, कल से ये स्क्रीन आपने आपको मैंने परसों भी डिस्प्ले की थी जब रिसेंट फर्स्ट लेक्चर में, मगर क्या किसी को ये एक्सप्रेशन समझ आया था कि मैं इसी वे को कितने एक्सप्रेशन के अंदर जो है बोल सकती हूँ। हाँ एग्जैक्टली आफा, मैं यही कह रही हूँ ना कि वे ऑफ मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है, एंड आई हैव टू टीच दैट थिंग। अच्छा अब ना मैं एक और काम कर रही हूँ, अब हमारे सर अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट्स व्हाट इट्स इंटोनेशन पैटर्न, और इस इंटोनेशन को डिफाइन करते हुए ना मैं आप तमाम लोगों को इस वक्त अपना जज बना रही हूँ, ठीक है, मेरी आवाज सबको क्लियर है, मुझे जल्दी से बताइए पहले, मुझे जल्दी से सब कमेंट में यस कहेंगे इफ यू गाइस कैन लिसन, मैम आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, ओके थैंक यू, लेकिन मैं इन लोगों की अटेंशन लेना चाह रही थी, जरा सब लोग कमेंट में जल्दी जल्दी से यस लिखेंगे इफ यू गाइस कैन लिसन माय वॉइस, सब लोग, क्योंकि अभी प्रॉपरली मुझे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है तो मुझे सबका यस चाहिए, दोज हु कैन लिसन माय वॉइस, जिनको मेरी आवाज आ रही है तो डेफिनेटली मेरी बैक होस्ट भी मुझे माइक खोल कर बता सकती है जी कि जी मुझे आवाज आ रही है, तो आप लोगों के पास तो मजबूरी है माइक, उन्होंने आपको कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन आप लोग मुझे सबके सब, अगर आपके कानों तक मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से यस लिख दें, वेरी गुड। अब इस वक्त मैं आप तमाम लोगों को अपना जज बना रही हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने ना, मैं आप लोगों के सामने दो तरह की अंग्रेजी बोलूंगी और आपने जज करना है कि विच वन इज बेटर, ठीक है, विच वन इज बेटर इन द लिसनिंग, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मुझे जज करके बताना है कि सुनने में किस में मजा आया, ओके डन, ठीक है जी, सब लोग इस वक्त बैकेंड पर सब मुझे यस कह चुके हैं, सब एक्टिवली मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज क्रिस्टल क्लियर है, सब लोगों को आवाज आ रही होगी मेरी, अब जरा फोकस करके मेरी आवाज को सुनिएगा और मुझे बताना है यह है कि कौन सा पैटर्न आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। मैं एक बार एक स्टोरी सुना रही हूँ आपको जी, स्टोरी कौन सी, थर्स्टी क्रो, बचपन में याद होगी सबको, या कोई आपने से कोई स्टोरी सुनाया, किसी को याद है थर्स्टी क्रो, जरा पहले तो मुझे बताएं थर्स्टी क्रो याद है किसी को, कोई अभी लाइव सुनाएगा मुझे, चलो निम्रा, निम्रा इम्तियाज से सुनते हैं, जरा रुके जरा निम्रा से सुनते हैं, निम्रा मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, जरा हमें स्टोरी तो सुनाए निम्रा, काफी दिन हो गए थर्स्टी क्रो ने सुनी, बचपन तो थोड़ा सा रिवाइज कर लें अपना, उसके बाद मैं भी सुनाऊंगी निम्रा, टेक इट इजी जी निम्रा, आ जाए जरा जल्दी से निम्रा, आई हैव अनम्यूटेड यू, कम ऑन, हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम, निम्रा जल्दी से थर्स्टी क्रो सुना दो हमें, मस्ती आवाज आपका ही आवाज गए थर्स्टी, मैं मेरी आवाज आ रही,
Once there was a cow, he was very thirsty. Yes, yes, carry on, carry on. Once there was a cow, he was very thirsty. Yes, Namra Imtiaz, carry on. Okay, fine. ठीक है जी, इतनी आती है, फाइन. अच्छा चले, मेरी सुनते हैं, मेरी सुनते हैं जी, टाइम नहीं वेस्ट करते, जरा मेरी सुनते हैं, कहानी खत्म. ओके चले, मेरी सुनते हैं, मेरी सुनते हैं, मेरी सुनते हैं, मेरी सुनते हैं, मेरी आवाज तो सबको आ रही है ना. Once upon a time, ये किसने लिखी है जी? मानी ने पूरी नीचे लिख डाली, क्या बात है मानी. अच्छा चले, मेरी सुन ले, इजाजत है, मैं सुनाऊं. जजेस साहब, 55 जजेस आर देयर, 55 जजेस, कैन यू प्लीज अलाउ मी टू स्पीक. इजाजत देते हैं आप लोग. अच्छा, कोई एक भी कमेंट में मुझे नहीं कह रहा मैम इजाजत है, कोई एक तो कहते यस मैम श्योर, मतलब नोबडी वांट्स इट. कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है. अच्छा शुक्र है जी, शुक्र है, निगत ने यश कह दिया. ओके फाइन, थैंक यू निगत, कम से कम आप तो सुनना चाहती हैं मुझे, मुझे लगा बाकी सब इतना जल्दी, अभी तो सेकंड लेक्चर था, अभी से थक गए आप लोग, मुझसे ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग मेरे साथ. अच्छा जी चले, जजे साहब जरा सुनिएगा मेरी आवाज को प्रॉपरली, जज आपने करना है, आप लोग लिसनर हैं, आप लोगों ने प्रॉपरली इसको जो है वो जज करना है जी कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है. सो लिसन टू मी. Once there was a crow, he was very thirsty. He flew here and there in search of water. He didn't found anything, and he go towards in any kind of place where he found a picture. And but the water was so low, he couldn't drink it. He goes somewhere, he found some pebbles. He put the pebbles into the picture. The water rose up. He drank the water and ran away. This is the pattern number one. Okay, and listen to the pattern number two. And nobody gonna write down any comment right now. अभी कोई भी कोई comment नहीं लिखेगा. पहले दोनों सुन लें, उसके बाद जज करेंगे. कोई मोरल नहीं है मानी, कोई मोरल नहीं है, कहानी सिर्फ लिसनर है, और लिसनर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्पीड को जज करना है, चीजों को जज करना है, क्लैरिटी को जज करना है, सुनने में कौन सा अच्छा लग रहा है. नेक्स्ट सुने जी. वंस देयर वाज अ क्राउ, ही वाज वेरी थर्स्टी, ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर. He couldn't drink it. He goes somewhere. He found a picture and he just looked at that. But the water was so low. He couldn't drink it. He goes somewhere. He found the pebbles and he put all the pebbles into the picture. The water rose up. He drank the water and ran away. What are you thinking? Being a listener, which one is looking better in the listening? Write down the command. Say first or second. Nothing else. No more description. No more details. Write down. One or two, that's it. Write down one or two. No more details, please. Everybody should judge the way of speaking. How I gonna speak? How should I speak like that? दोनों में अंग्रेजी बोली है, सब गवाह रहिएगा, कोई उर्दू का इस्तेमाल मैंने नहीं किया. आपको क्या लगता है जी? What exactly the way of speaking? कैसे बोलना चाहिए? Pattern number one or the second? What are you thinking about it? आपकी clarity कहाँ हो रही है? Satisfaction कहाँ हो रही है? समझ कहाँ आ रही है? पे कहाँ पे क्लियर हो रहा है आप लोग बताएंगे मुझे. मैं तो सिर्फ एक आपकी जैसे कहते हैं ना एक पार्टिसिपेंट आता है ना, मैं तो एक पार्टिसिपेंट थी, जजेस तो आप तमाम लोग हैं. एग्जैक्टली याद रखिएगा, अंग्रेजी बोलनी, अंग्रेजी में भागना नहीं है. अंग्रेजी कौन सा मानी? ये वाला, वंस देयर वाज अ क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी, ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर. ये वाला थर्ड वन तो फिर यही बनता. माय कमेंट्स नॉट शोइंग. नूर मुझे नजर आ रहा है, आपके भी कमेंट्स नजर आ रहे हैं भाई. भी थर्ड वाली तो ये वाली बनती है. अगर ये वाली सीखनी है तो मैं सिखा सकती हूँ, मुझे बड़ा मजा आएगा ये वाली सिखाने में. वंस देयर वाज अ क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी, ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर. He couldn't find anything. I just like ki action lagta na, bada maza aata hai ऐसी अंग्रेजी बोल के. I just love to speak like that. But अगर मैं ऐसे बोलना शुरू हुई ना तो फिर यकीन करें आप में से कोई भी यहाँ नहीं आएगा. आप कहेंगे मिस हम यकीन करें हम पेड़ जरूर है मगर हमें नहीं सुननी. बहुत बहुत शुक्रिया. We couldn't speak, we couldn't listen you. ये 45 मिनट बड़े मुहाल हो जाएंगे आप लोग के लिए यहाँ गुजारना. First method is a clear, but second pattern is you clearly speak the words. अच्छा
अच्छा आल्स देना ठीक है ओके तो द थिंग इज व्हाट एग्जैक्टली द वे आई जस्ट वांटेड टू मेक यू क्लियर. अच्छा ऐसे कहते क्या जरा अब आ जाते हैं टॉपिक पे है ना इवन दैट. अच्छा अगर सोचे मैं ऐसे सेशन दूंगी ना अगर सोचे जरा इमेजिन करें वैसे दूंगी नहीं इतनी कैपेसिटी मेरी भी नहीं है मैं अपना स्टैंडर्ड नहीं गिरा सकती. वैसे अगर सोचे अगर मैं लेक्चर ऐसे दू ना वंस देयर टाइम आई वॉन्ट टू टीच यू स्पोकन इंग्लिश एंड I will tell you about the most important point that how can you make your vocabulary better and sound sound better. So think about it. क्या आप लोग मेरे lectures लेंगे? मेरे lectures लेंगे? आप लोग सर कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहतरमा आपने हमें इतनी अच्छी अंग्रेजी हमें आती जो थी वो भी गई जो आती थी वो भी गई हमने को हम पागल है 45 मिनट रात को बैठ के ऐसी देसी अंग्रेज की बातें सुने भाई इससे अच्छा है हम अपने मोहल्ले वाले के साथ वाले की अंग्रेजी सुन लेंगे. थैंक यू सो मच है ना. सोचिए जरा अगर ऐसा हो तो क्या मजा आएगा ना कितना मजा आएगा. वेल इट्स अपार्ट फ्रॉम द जोक लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा लिटरली मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली बिकॉज मुझे अपना एक्शन नहीं खराब करना. सो द थिंग इज व्हाट हाँ आप लोग सुन लेंगे आप लोग सुन लेंगे ड्रामे उस वक्त नहीं होंगे यकीन करें आप लोगों में से सारे के सारे होंगे ऐसे जो कहेंगे कि ना मिस हम लोग जो है वो रहने दें आप हम सेशन ही नहीं लेते 45 मिनट इतने फजूल नहीं है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका वक्त ही है जिस वक्त मैं आप लोगों से ले रही हूँ. पेड में भी नहीं आएंगे आप लोग कोई भी नहीं आएगा. अच्छा अब आते हैं जरा इसकी तरफ जी जरा फोकस कीजिएगा. मैं एक बार फिर से अपनी स्क्रीन को आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि जो मैं पॉइंट रेज करना चाह रही थी अब उस पे आ जाता है मजाक काफी हो गया. लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. जल्दी से आ जाते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट. हम बात कर रहे थे जी इंटोनेशन की. आपने देखा जब मैंने सेकंड पर्सन यूज किया था तो मैंने कहा वंस देयर वाज अ क्राउड देयर वाज अ देयर वाज आ नहीं बोला देयर वाज आ नहीं बोला मैंने नहीं कहा देयर वाज आ क्रो ही वाज वेरी थर्स्टी. याद रखिएगा अंग्रेजी जबान में हर एक लफ्ज को नहीं प्रोनाउंस करना होता हर एक लफ्ज की साउंड को इतना क्लियर नहीं देना होता आपने दो चीजों की साउंड को बहुत क्लियर रखना होता है वो होता है आपका एक्शन यानी कि आपके वर्ब जो कि आप काम कर रहे हैं जो प्रोसेसिंग हो रही है जो प्रोसीजर अपनाया जा रहा है जो कुछ भी किया जा रहा है यू हैव टू फोकस ऑन इट. और दूसरी चीज होती है जी नाउन कर कौन रहा है. मैंने कहा वंस मैंने स्टोरी क्रिएट की मैंने नरेशन क्रिएट की मैं कोई कहानी सुनाने लगी हूँ अटेंशन डाइवर्ट की मैंने आप लोगों की ताकि फोकस इधर आए. फिर मैंने कहा देयर वाज अ मैंने देयर वाज आ नहीं बोला मैंने कहा देयर वाज अ क्राउड. अब आप देख रहे हैं नाउन पे फोकस मेरा कैसे जा रहा है देयर वाज अ क्राउड ही वाज वेरी अब मैं ही वाज वेरी नहीं कह रही मैंने कहा ही वाज वेरी थर्स्टी. अब उसका प्रोसेस बता रही हूं ना एक्शन बता रही हूं एक तो कव्वा है और कव्वा कैसा है जी प्यासा है. I tried to explain that once there was a crow. He was very thirsty. फिर मैंने कहा he flew here and there in search of water. Water. I tried to explain that. कि एक तो वो search कर रहा है. But exactly the searching point is it's a water. So I tried to explain all the things in English language right now. So you have to focus. You must use some intonation pattern. What is intonation? Intonation means these rise and fall. मैंने कहा once I take it up मैंने कहा there was a मैं down पे आ गई crow. आप expression देख रहे हैं speaking का ये speaking expression होना चाहिए कोई सुने तो मजा आए. Like if I gonna speak like that I try to say something I gonna make some up and down I gonna make everybody attention divided everybody's ear wanted to get my voice right now. इस वक्त 55 लोगों की जो कानों की हिस है ना properly वो मेरी आवाज को properly सुनना चाह रही है. What exactly I wanna say everybody was just check it out my each and every word and if I gonna speak like that today I'm just going to speak something like that so it means oh my god. और अगर यही बात मैं ऐसे बोलूं टुडे आई वांटेड टू टेल यू समथिंग अबाउट इंटोनेशन पैटर्न. इंटोनेशन पैटर्न मींस यूज अ राइज एंड फॉल इन इंटोनेशन पुट सम प्रेशर ऑन द वर्ब एंड नाउन एंड दैट शुड बी बेटर. यही बात अभी मैंने अप एंड डाउन करके बोली और यही बात मैंने सिंपल इंग्लिश में भी बोली है. एक्सप्रेसिव लग रहा है ना एक्सप्रेसिव दूसरे में लग रहा है ना कितना एक्सप्रेस आ रहा है कितना एक्सप्रेशन आ रहा है ओ माय गॉड आई कुडंट लेट इट आउट. आवाज की रात के 10 बजे भी प्रॉपरली अटेंशन जो है ना कानों की आवाज की पिच पे जा रही है मेरी आवाज कैसे राइज पे जा रही है फिर फॉल पे आती है. हाउ आई गेट अ स्पीच इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस वक्त आप तमाम लोगों को इस चीज पर बड़ा फोकस रखना है कि आपने अपना लेक्चर जो है क्लास नहीं हुई तो कहाँ सबमिट करनी है. अच्छा भाई आप लोग असाइनमेंट्स पे आ गए अभी मैं लेक्चर से इतनी मुश्किल से यहाँ लाती हूँ आप फिर यहाँ जाते हैं.
So the thing is, what you must use some rise and fall in the communication. That's most important point. If you are not using that rise and fall, your voice pitch is going to be so dumb. Angrezi sab bol lete hain, yakin kare. Angrezi bolna koi bahut badi baat nahi hai. Aap abhi ki abhi sab cheezon ko leke chale, you will try to work on that. Magar masla pata hai kya hai, ki jo pattern hota hai na, isko follow karna bahut kam logon ko aata. Bahut kam log honge jo aapko jinki angrezi sunke maza aayega. जिनकी अंग्रेजी सुन के जो है वो बड़ा मजा आएगा. आप अंग्रेजी इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है अंग्रेजी बोलना, मगर सही अंग्रेजी बोलना बहुत मुश्किल काम है. ये बात याद रखिएगा. यू नीड अ प्रैक्टिस फॉर दैट, यू नीड अ प्रैक्टिस. मेरे ख्याल से ये आवाज अगर जिस वक्त मैं अपनी पिच के ऊपर, जब आप एडवांस क्लासेस में आएंगे ना, 45 मिनट आप जब प्रॉपरली अंग्रेजी सुनेंगे, आपको इतना मजा आएगा. वैसे ही मैं थोड़ी थोड़ी सुना के आपको बेसिक में हैबिचुअल कर चुकी हूँगी, फिर आपको बड़ा मजा आएगा. वो 45 मिनट ऐसे गुजरेंगे कि यू वर लाइक वाओ, आज वी जस्ट लिसन अ वेरी गुड pitch right now. मजा आ गया अंग्रेजी सुन के. we want to be like that. तो इस चीज के ऊपर आपने वर्क करना है. आपने इंटोनेशन पैटर्न्स को हर हाल में इस्तेमाल करना है. आपने अप एंड डाउन लेने हैं. जरा टाइम को जो है वो मद्देनजर रखते हुए 4 मिनट हमारे पास है. इस स्क्रीन का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सब लोग. जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें. जो उस वक्त आपके सामने कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स नजर आ रहे हैं, वैसे वोकैबुलरी का प्रॉपर सेशन, एक पूरी क्लास है आप लोगों की होगी, मुकम्मल सेशन होगा एक वोकैबुलरी पे. लेकिन ये फर्स्ट सेशन में कुछ इन्फॉर्मेटिव वर्ड्स हैं सिर्फ मैंने ऐड किए हैं. इनसे आप लोगों ने जुमले बनाने, ये आपकी पहली असाइनमेंट भी है आज की. ठीक है, जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरी स्क्रीन का. और इसको मैं एक बार जब तक प्रोनाउंस भी कर देती हूँ. फर्स्ट वर्ड इज अ हर्ड, नेक्स्ट इज अ हीप, नेक्स्ट इज अ स्नीक, नेक्स्ट इज अफेंडेड, किनशिप एंड एप्पल पॉलिशर. ठीक है, मतलब इनके सामने लिखे हुए सबको किसका क्या जो है वो मतलब होता है. तो देयर इज नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम लाइक दिस. अब आ जाते हैं जरा प्रोनाउंसिएशन पे. आपके सामने मैं ये वर्ड्स कुछ लिखे हैं, मैं इनको प्रोनाउंस कर रही हूँ. 3 मिनट मेरे पास हैं. असाइनमेंट मैं बता चुकी हूँ, इसके खत्म होते ही लेक्चर हो जाएगा एंड. इसलिए कोई भी बहस नहीं करेगा. कल 4 बजे आप लोगों की ऑफलाइन क्लास है, मुझे ये हर हाल में प्रोनाउंसिएशन पेज पूरा कराना है. फिलहाल गौर से मेरी आवाज को सुनेंगे. असाइनमेंट मैं बता चुकी हूँ जी कि आपको जो ऊपर वोकैबुलरी के वर्ड्स दिए, इनसे बस जुमले बनाना है. दैट्स इट. ये इसके जुमले बनाने हैं जी, इन सारे वर्ड्स के जुमले बनाने हैं अपने. इसके अलावा कुछ भी नहीं करना. और आपका इंट्रो जो है वो कल 4 बजे वहाँ पे ग्रुप में हो रहा है, वो भी बता चुकी हूँ. मजीद कोई असाइनमेंट्स पे बहस नहीं होगी, दोनों चीज़ें क्लियर हैं. फिलहाल ये प्रोनाउंसिएशन गौर से सुनेंगे सब, इसके फौरन बाद ही लेक्चर हो जाएगा एंड. पहला ये वो है जी, एक तरफ इसकी स्पेलिंग लिखी है और दूसरी तरफ इनकी प्रोनाउंसिएशन लिखी है. जी बिल्कुल किरण, एक का एक जुमला बनाना, बस एक एक जुमला बनाना. सो लुक एट दैट, द फर्स्ट वर्ड इज आई, नॉट आई. नेक्स्ट इज से. मेरे साथ साथ सब लोग बोलने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट इज ऑल. आल नहीं होता, वी आल आर हेयर टू लर्न अबाउट इंग्लिश. ऐसा नहीं होता जी, वी ऑल, वी नहीं होता. इट्स अ वी, जैसे सिंपल वी बोलते हैं ना, हम वी लिखते हैं डब. एबीसी में जो वी आता है वैसे सिर्फ वी, ऑल ना कि आल. नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज हैव, next is so, next is no, next is my nahi hota, it's my. next is as, next is not, next is restaurant nahi hota, restaurant. yaad hai na syllable, maine bataya tha sound pe focus karna hai. sound dekh rahe hain main kitni bol rahi hu, restaurant. restaurant mein kitni sound aa rahi hai, 3 aa rahi hai. restaurant ye galat hai. sound pe focus rakhna hai, syllable hamesha yaad rakhna hai. sounds ko yaad karte hue, sounds ko uski practice karte hue. तो रेस्टोरेंट यानी कि 2 साउंड्स आ रही हैं, 3 बोलेंगे तो समझे आप गलती कर रहे हैं. नेक्स्ट इज व्हाट, इट्स अ वुमन. नेक्स्ट इज वॉक, नेक्स्ट इज मैरी. अस्थमा बोलते हैं लोग इसको, ये जो डिजीज होती है जिसमें आपने, आपको पता ही होगा सबको इस डिजीज का, अस्थमा लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एज्मा. नेक्स्ट इज मैनेजर, हम बोलते हैं जी मैनेजर. द थिंग इज व्हाट, इट्स अ मैनेजर. नेक्स्ट इज टेलीफोन, टेलीफोन नहीं होता, टेलीफोन नहीं होता. इट्स व्हाट, इट्स अ टेलीफोन, टेलीफोन. नेक्स्ट इज डिबू, नेक्स्ट इज ऑफुल. वेडनेसडे, कोई वर्ड नहीं होता. दिस इज व्हाट, इट्स वेंसडे. और वेनसडे भी नहीं होता, इट्स वेंसडे. आप साउंड देख रहे हैं, फिर से सिलेबल पर फोकस कीजिएगा. वेनसडे जब बोलते हैं तो 3 साउंड आ रही है, और जब आप वेंसडे बोल रहे हैं तो कितनी साउंड आ रही है, सिर्फ 2 साउंड. वेंसडे. आखिरी बार बोल रही हूँ, जल्दी से इसको हम फटाफट कंपाइल कर रहे हैं जी. मेरे साथ साथ सब बोलेंगे, आई से ऑल, what, have, so, no, my, as, not, restaurant, women, walk, marry, asthma, manager, telephone, debut, awful, Wednesday.
That's it. Thank you so much for your precious time. We are done with the time as well. So see you tomorrow at 4 o'clock with another lecture with something new. And inshallah, see you in another class as well. Bahut important aur bahut interesting lectures honge aap log ke. You will love to enjoy the learning of English language. Tab tak ke liye apna bahut sara khayal rakhiyega. Kal shab e barat hai. Mujhe bhi dua mein yaad rakhiyega. Will be very thankful of that. Ke aapki duaen hamesha hamesha har teacher ke liye bahut zaruri hoti hain. So will be very thankful ke aap log kal ki dua mein bhi mujhe yaad rakhiyega. So apna bahut sara khayal rakhiyega ji. And see you aur after tomorrow or kal hum offline class mein mil rahe hain. Thank you so much. Take care and Allah Hafiz.